इन फायर इंस्ट्रूमेंट में आप देखिएगा कि ये हालत है यहाँ पर कि ना तो इनमें कहीं आपको रिफिलिंग की डेट मिलेगी, अब आपको दिखाएंगे, देखिए ना तो रिफिलिंग की डेट है और ना ही एक्सपायरी डेट है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कब के होंगे और इस वक्त कितना जो मेडिकल प्रशासन है वो इस ओर कितना ध्यान दे रहा है, या फायर विभाग है वो उसने भी जहमत नहीं उठाई कि इन सिलेंडरों की ओर देखे। ये तस्वीरें देखिए, ये बुंदेलखंड क्षेत्र के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में से एक महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज की तस्वीरें हैं। यहाँ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की सेफ्टी को देखते हुए रखे गए अग्निशामक यंत्र या फायर एक्सटिंग्विशर ऐसे हैं कि इस पर कोई तारीख ही नहीं लिखी। जरा सोचिए, अभी NICU वार्ड में 15 नवंबर की रात को लगी आग के बाद 10 नवजात बच्चे इसकी चपेट में आ गए, जिनकी मौत हो गई, वहीं कई बच्चे घायल हैं। अभी इस घटना के बाद फायर एक्सटिंग्विशर पर सवाल उठ ही रहे थे कि अस्पताल के कैंपस में लगे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के पास फायर एक्सटिंग्विशर का हाल बेहाल था। देखिए इस रिपोर्ट को। शुक्रवार की शाम झांसी के लिए एक काली शाम थी। इस दिन यहां पर झांसी मेडिकल कॉलेज के शिशु वार्ड में भीषण आग लग गई थी, जिसकी चपेट में आने से 10 बच्चों की मौत हो गई, जिसके बाद पाया गया था कि जो फायर इंस्ट्रूमेंट लगे थे उनमें एक्सपायरी डेट के भी थे। लगभग 36 घंटे बीत चुके हैं, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मेडिकल प्रशासन इस ओर कितना गंभीर होगा। आप देखिएगा, हमारे पीछे ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ है, ये जो यहाँ पर जो सप्लाई अंदर ऑक्सीजन होती है, यहाँ पर आग न लगे, आग से यदि किसी प्रकार की हादसा हो जाए तो उससे निपटने के लिए यहाँ पर फायर इंस्ट्रूमेंट भी टांगे गए हैं। आप देखिएगा, हम आपको फायर इंस्ट्रूमेंट दिखाएंगे, ये लगे हुए हैं दो। इन फायर इंस्ट्रूमेंट में आप देखिएगा कि ये हालत है यहाँ पर कि ना तो इनमें कहीं आपको रिफिलिंग की डेट मिलेगी, अब आपको दिखाएंगे, देखिए ना तो रिफिलिंग की डेट है और ना ही एक्सपायरी डेट है। दोनों ही लगे हुए हैं, दोनों सिलेंडर लगे हुए हैं, ये S93 लिखा हुआ है इस पर और इस पे पार्ट नंबर 1 का लिखे हुए। आप दोनों सिलेंडरों को देखिएगा किस प्रकार इन जो सिलेंडरों में जब एक्सपायरी डेट नहीं है और ना ही इसकी रिफिलिंग की डेट है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कब के होंगे और इस वक्त कितना जो मेडिकल प्रशासन है वो इस वक्त कितना ध्यान दे रहा है, या फायर विभाग है वो उसने भी जहमत नहीं उठाई कि इन सिलेंडरों की ओर देखे कि जो फायर इंस्ट्रूमेंट जो लगे हुए हैं उनमें क्या स्थिति है, इनमें इनकी डेट की जरूरत है या नहीं है, या फिर इन्हें रिफिलिंग की जरूरत है या नहीं है। आप देख सकते हैं आखिर मेडिकल प्रशासन या फायर ब्रिगेड किस और बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है कि जिससे कि उसको इस ओर जागृत होगा, जबकि जो प्रशासन जो कॉलेज के प्रधानाचार्य है वो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। जब आग लगी थी तो जो बाढ़ का जो आग बुझाने के लिए जो फायर इंस्ट्रूमेंट दिखाए गए थे वो इंस्ट्रूमेंट थे जो गोदाम में रखे हुए थे। अब आप अंदाजे लगा सकते हैं कि आप ही स्वयं अंदाजे लगाइए कि गोदाम में जब इंस्ट्रूमेंट रखे थे तो क्या वो उस इंतजार कर रहे थे कि कब हम फायर इंस्ट्रूमेंट निकालें और फिर उसको तोड़ के हम तोड़े। आप देख सकते हैं फिलहाल ये तो जैसे जैसे जांच आएगी उसके बाद ही सामने दिखेगा, लेकिन आप देखिएगा कितना बड़ा प्रशासन मेडिकल प्रशासन का लापरवाही रवैया है। झांसी से प्रमोद गौतम, यूपी तक।